हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीजी क्लास में। पंचायती राज विभाग बिहार की तरफ से फ्रेंड्स यहां पर फिर आ चुका है एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आज का ही ये है 2/7/19, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है एक और डिस्ट्रिक्ट का, जो कि लेखापाल आईटी सहायक के लिए आ चुका है। और इसमें बोला गया है कि BDO ऑफिस यानी कि जो प्रखंड विकास प्राधिकारी कार्यालय में योगदान करना है आपको। उसमें फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का नाम आया है लिस्ट में, तो लिस्ट देखने के लिए वीडियो को देखिए लास्ट तक कि किस डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आ चुका है लेखापाल आईटी सहायक के लिए पंचायती राज विभाग बिहार के अंतर्गत। जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसका जो है फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया है और वो जो है आपको ज्वाइनिंग भी इसी में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं किस डिस्ट्रिक्ट का आया है। चलिए तो वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स ये जो आया नोटिफिकेशन, ये आया है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैंने यहाँ पर मुजफ्फरपुर का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया है, तो फ्रेंड्स उसका यही जवाब है कि जैसे ही आता है मैं सबसे पहले वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो रुका हुआ है उसका कारण यही है कि अभी जो है उन लोगों का डॉक्यूमेंट वर्जन होकर नहीं आया, इस वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं मुजफ्फरपुर का जो आया है, यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट नोटिस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट। ये 1/7/19 कल शाम में इसको अपलोड किया गया है, ठीक है। 5 MB का फाइल है। चलिए इसको दिखाते हैं फुल अपडेट क्या क्या है, कितने लोगों का नाम है। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, चलिए इसको ओपन करते हैं आप और दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स ये जो है 24/6/19 को 11:30 बजे जो है जिला प्राधिकारी मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग पटना के आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर जिले के लेखापाल आईटी सहायक की नियुक्ति हेतु बैठक आयोजित किया गया था, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर क्या क्या फैसला लिया गया, चलिए दिखाते हैं आपको। कुल जो है 96 रिक्त पदों के विरुद्ध, यानी 96 पद रिक्त वहाँ पर हैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके विरुद्ध जो है 337 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु बुलाया गया, जिसमें कि 297 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 40 अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित पाए गए। और काउंसिलिंग हेतु चयनित सूची के अनुसार कुल 96 अभ्यर्थियों के विरुद्ध 2 गुना अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु संबंधित संस्थान को भेजा गया, और 96 अभ्यर्थियों के विरुद्ध 63 अभ्यर्थियों का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है, और जिसमें कि सत्यापन प्रतिवेदन अनुसार 49 अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र संस्थानों द्वारा प्रमाणित एवं 14 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया, ठीक है। यहाँ पर जो है 49 अभ्यर्थियों का जो है सब कुछ सही है, बाकी 14 को यहाँ पर अप्रमाणित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और उपर्युक्त रिक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी एवं उक्त आलोक में शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर निर्धारित कोटिवार आरक्षण अनुसार निम्न अभ्यर्थियों को चयन हेतु सुयोग पाया गया है, जिसकी नियुक्ति का निर्णय लेते हुए उनके नाम के समक्ष अंकित प्रखंडों में पदस्थापन का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रखंड विकास प्राधिकारी अपने स्तर से नियोजित लेखापाल आईटी सहायकों को पंचायत का निर्धारण करेंगे, ठीक है। वहाँ पर जो ब्लॉक में जो वीडियो हैं प्रखंड विकास प्राधिकारी, वो अपने स्तर से जो है पंचायत को बांटेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है जनरल कैटेगरी का यहाँ पर मेगा सूची दिया गया है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। उसके बाद जो है यहाँ पर उसमें 19 नाम है। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी में महिला कोटी है उनका नाम दिया गया है, ठीक है, उसमें जो 11 नाम है। उसके बाद SC का जो है अनुसूचित जाति के लिए पुरुष और महिला का मेगा सूची यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो है कुल 10 नाम है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला का यहाँ पर दिया गया है मेगा सूची, जिसमें कि कुल आपका 12 नाम है। और पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला की सूची दिया गया है, इसमें जो है कुल आपका 10 नाम है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति का मेगा सूची दिया, इसमें जो है मात्र 2 नाम है, ठीक है। और इन सबको यहाँ बोला गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारियों के समक्ष चयनित अभ्यर्थियों को योगदान सूचित करने हेतु निम्न शर्त अनिवार्य होगी, ठीक है। यहाँ पर शर्त दिया गया है कि आपको सैलरी जो है 20,000 दिया जाएगा, ठीक है, इसको आपको पहले से पता है। और यहाँ बहुत सारी जानकारी दी गई है, और यहाँ पर आपको जो है योगदान के समय सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और मूल रूप में इसको आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो है मुजफ्फरपुर का जो औसैनिक शल्य चिकित्सक यानी जो सिविल सर्जन है उनके द्वारा निर्गत जांच प्रतिवेदन योगदान के समय आपको दिखाना होगा, ठीक है। और
क्रमांक एक से लेकर आठ तक जितने भी बिंदु है सभी बिंदु पर आपको एक इकरारनामा देना होगा योगदान के समय। ये सब रहा फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये PDF आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं। तो जो भी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरे थे अकाउंटेंट कम एडिटेशन के लिए, नाम चेक कीजिए और नाम है तो जाकर फटाफट ज्वाइनिंग कीजिए अपने। वहाँ पर ब्लॉक का नाम दिया गया, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा लास्ट में जो ब्लॉक का नाम आमंत्रित किया गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।